प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैंने जो आपके लिए वीडियो लाया है, वीडियो का टॉपिक है कि 2019 में आप जीवित पुत्र का व्रतम यानी जितिया कैसे करें, मुहूर्त क्या है, दिन क्या है और क्यों किया जाता है। सबसे पहला मैं बता दूं कि जितिया जो होता है दर्शकों, ये हमेशा आसिन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल के दिन किया जाता है। और यह जो व्रत होता है, ये माताएं जो है ये अपने संतान की लंबी आयु, उनके सुख समृद्धि, उनके जीवन में सफलता, धन लाभ एवं संतान से उनको पूर्णता सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर 2019 में जितिया का पर्व कब से चालू है। होता क्या है दर्शकों, क्या पर्व जो होता है 3 दिनों का होता है, यानी आसीन माह के कृष्ण पक्ष के सप्तमी से लेकर के नौमी तिथि तक यह पर्व चलता है। यानी छठ पर्व की तरह यह भी एक लंबा पर्व है जो 3 दिनों का होता है। छठ पर्व तो 6 दिनों का होता है। अब मैं बताता हूं कि आखिर कब मुहूर्त चलेगा, यानी किस दिन से आप जितिया पर्व जो है प्रारंभ करें। 21 सितंबर 2019 को सप्तमी तिथि है, यानी इस दिन आपको नहाए खाए करना है, जो रात्रि में 8:21 से पहले आपको इसको समाप्त कर देना है। यानी नहाए खाए का मुहूर्त 21 सितंबर 2019 को रात्रि में 8:21 से है। इसके बाद फिर अष्टमी तिथि पहुंच जाएगा, जिस दिन आपको उपवास करना है, जो है जिसे खुर जितिया यानी खर जितिया भी बोलते हैं। यह जो है आपको रात्रि में 7:50 तक रहेगा, यानी खर जितिया यानी उपवास का जो तिथि है वो 22 सितंबर 2019 को रात्रि में 7:50 तक ही रहेगा। अब रहा कि आप पारण किस दिन करें। पारण का जो मुहूर्त है वो 23 तारीख को सूर्योदय के बाद आप कर सकते हैं, यानी पारण जो है 23 तारीख को सूर्योदय के बाद करें। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इस पर्व का क्या महत्व, क्यों किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये पर्व किस तरीके से करते हैं और इसके बाद फिर जो है क्या महत्व है। होता क्या है दर्शकों कि एक बार जो है चील और लोमड़ी एक जगह बैठे हुए थे, उसके बगल में कुछ महिलाएं जो हैं वो जो हैं जीवित पुत्र का व्रतम कर रही थी। उसी दरमियान में लोमड़ी वहां से चला जाता है और चील पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है उस पर्व की कथा को सुनता है। तो होता क्या है कि चील के जो संतान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सफल होते हैं, उनके संतान भी अच्छे होते हैं, लेकिन लोमड़ी के जो संतानें होती हैं वो मर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये पर्व करने से संतान की उन्नति होती है। अब मैं बताता हूं कि नहाए खाए के दिन आखिर महिलाएं को क्या करनी चाहिए। इस दिन आप एक बार जो है भोजन ले, प्रातः स्नान करें, अपने आप को शुद्ध करें। इसके बाद फिर जो इस दिन जो है सबसे पहले आप मड़ुआ काटा ले, फिर झोर भात आप खाएं, इसके बाद फिर नोनी का साग का सेवन किया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन जो है क्या होता है कि मिट्टी का और गाय के गोबर का जो है आप चील की प्रतिमा बना लें, उसको टिक्का लगाएं, उसकी पूजा करें, और जीमित वाहन यानी जो देवता हैं यानी जीमित वाहन की पूजा करने के लिए आपको कुश का एक जीमित वाहन का प्रतिमा बनाना पड़ता है। और इसके बाद फिर जो है आपको उन्हें फूल अर्पित और तिलक लगाना पड़ता है। तिलक लगाने के बाद आप इस पूजा को अष्टमी के दिन प्रारंभ करते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि पारण के दिन भी जो है महिलाओं को एक बार ही जो है भोजन करना पड़ता है। पारण के दिन भी जो है प्रातः काल आप सबसे पहला मड़ुआ के आटा के रोटी, नोनी का साग, झोर भात का सेवन करें। इसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन व्रत जो है पारण इसी तरीके से किया जाता है। आज मैंने आपको परफेक्ट जानकारी दे दिया कि जीवित पुत्री का व्रतम यानी जितिया क्यों किया जाता है, क्या मुहूर्त है, और भी बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी मिलते रहे। और सबसे बड़ा आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारी YouTube वीडियो को देखते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है। मैं बहुत जल्द आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूंगा। मित्रों, दर्शकों, नमस्कार।